नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपका इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे और आपको सेहतमंद रखे। आज आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस जातक की हम पूरे यहाँ पर हाथ का विश्लेषण करेंगे। और देखिए, यहाँ पर बात यह है कि इनकी जो उम्र है 31 से 32 के बीच में यहाँ पर है, और एक अच्छी जो कह सकते हैं कि लाइफ को जी रही थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर पैदा हुई और कैंसर वगैरह की बीमारी जो है इससे जूझ रही हैं। तो क्या आगे लाइफ कंटिन्यू होगी, कहाँ तक लाइफ पहुँचेगी और कब तक इस बीमारी से कह सकती है बाहर आ सकेंगी, तो पूरी हाथ को प्रोडिक्ट करेंगे। काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, आप उसको फॉलो कर कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बायोमिस्ट्री से रिलेटेड नॉलेज जो आपको दी जाती है। स्टार्ट करते हैं और पिक काफ़ी ज़्यादा क्लियर है और पूरे हाथ को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहले आप हाथ की जो बनावट को देखें। आप जो हाथ है पूरा यहाँ पर स्क्वायरिश है, और स्क्वायरिश हाथ यहाँ पर इस बात को बताता है कि मेहनती हाथ है और मेहनत करने की प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। इस हाथ में मुझे अच्छी बात यह लगी कि फिंगर्स की जो प्लेसमेंट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी है और फिंगर्स लंबी हैं, तो समझदारी वाला क्षेत्र जो है काफ़ी अच्छा है। समझदार ऐसे व्यक्ति होता है, अपने फैसलों को काफ़ी सोच समझ के ऐसे जा तक लेता है। और साथ में मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में भी बताया है कि अगर ऐसा जातक गवर्नमेंट क्षेत्र की तरफ जुड़ता, रुझान करता, उसको सक्सेस मिल सकती थी। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में कवर किया है कि अगर जिस जातक की ऐसी चीज़ें लंबी जल्दी फिंगर्स होती हैं या फिर फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी होती है, वो गवर्नमेंट क्षेत्र में पाए गए हैं। मैंने काफ़ी हाथों को पढ़ा है, लेकिन जैसे यहाँ पर इनके हस्बैंड गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं तो उसका जुड़ाव इनके साथ है, तो यही फिंगर्स यहाँ पर बता रही हैं। फिंगर्स के ऊपर काफ़ी खड़ी लाइनें हैं, तो ये बताता है कि काफ़ी अच्छा जो है लोगों को बीच उठना बैठना या फिर कह सकते हैं जान पहचान काफ़ी यहाँ पर होने वाली है, तो ये कंडीशन हाथ में है। लेकिन फिंगर्स की अगर लेंथ की बात करूँ तो फिंगर्स जो आपको दिखेंगी, तो यहाँ पर आपको जो गुरु की फिंगर है वो छोटी है, सूर्य की फिंगर ज़्यादा बड़ी है। जो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ पर है, तो जो कला वगैरह हो गया, किसी को चीज़ों को बनाना हो गया या फिर कोई भी चीज़ बनानी हो गई, वो जो कला है, किसी तरह की कला इनके अंदर है, वो उसको आगे लेकर अगर आगे बढ़े हैं तो काफ़ी सक्सेस ऐसे जातक को मिलती है। क्योंकि तो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। वो फिंगर सभी ज़्यादा लंबी और सीधी हैं, कोई फिंगर यहाँ पर टिल्ट नहीं हो रही है। तो खास तौर पर सूर्य की फिंगर आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी है। तो ये बता रहा है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी भरपूर है, अगर किसी तरह का इनके अंदर आर्ट है तो उसको लेकर अगर आगे बढ़े तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हम टीचिंग क्वालिटी की बात करें या फिर कैसे लीडरशिप की क्वालिटी की बात करें, तो वो थोड़ी सी कम रह सकती है, क्योंकि फिंगर जो छोटी है, लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं, क्योंकि सूर्य से मुकाबले यहाँ पर छोटी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर बुध की फिंगर भी अच्छी खासी है, तो यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस तक यहाँ पर पहुँचने का प्रयास हो रहा है इसका, और कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। क्योंकि अगर फिंगर थोड़ी छोटी हो जाती है तो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है और बात को अच्छी तरह व्यक्त ना कर पाना, ऐसी क्वालिटी यहाँ पर हो जाती है। लेकिन इस हाथ में ऐसा नहीं दिख रहा है, फिंगर जो है बुध की फिंगर काफ़ी ज़्यादा लेंथ में है, तो कॉन्फिडेंस की कमी यहाँ पर जातक में नहीं है। बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी जातक की होती है और ये यहाँ पर क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर सूर्य की शनि की फिंगर की बात करें, शनि की फिंगर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि फिंगर सभी लंबी थी, लेकिन शनि की फिंगर अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो पैसे की स्थिति जो है हाथ में काफ़ी अच्छी रहने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि शनि की फिंगर जो है ये हमें बताते हैं कि पैसे की स्थिति, जो धन की स्थिति है हाथ में लाइफ में, काफ़ी अच्छी रहने वाली। क्योंकि अगर यहाँ पर फिंगर छोटी हो जाती तो वो क्वालिटी यहाँ पर नहीं दिखती, तो इस फिंगर में और सभी फिंगर्स में अच्छी यहाँ पर लेंथ और अच्छी क्वालिटीज यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए आगे हम देखेंगे, आपको थंब का साइज दिखाएंगे। थंब के ऊपर आपको एक यप का सिंबल बनता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पर बताता है कि जाता है कि सिक्स सेंस जो है काफ़ी अच्छी है, और ये बताता है कि धन, ये भी एक तरह का धन बताता है, और धन की पॉसिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, और ये क्वालिटी हाथ में नज़र आ रही है। लेकिन चलिए हम आगे हम माउंट्स को देखते हैं, माउंट्स यहाँ पर क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं।
सभी माउंट जो हैं काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलप हैं, लेकिन सिर्फ दो माउंट अच्छे हैं इनके यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर गुरु का पर्वत देखें आप, गुरु का पर्वत जो है अच्छी स्पेस लिए हुए है, इसके ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन आपको नहीं दिखेगा, एक हल्का सा को फिश का सिंबल बनता हुआ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो अच्छे खासे यहाँ पर वैवाहिक जीवन को बताता है। और आगे चलकर ऐसा ही जो फिश का सिंबल है काफ़ी अच्छा जो है एक तरह का कह सकते आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को पैदा करता है, और उस क्षेत्र में जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था जैसे इनकी सूर्य की फिंगर थी, उस क्षेत्र में अगर आगे बढ़े तो काफ़ी अच्छा सक्सेस इनको मिलेगा, क्योंकि सभी माउंट से जो है गुरु का पर्वत इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोमिनेंट हाथ में नज़र आ रहा है। कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। और अगर मैं यहाँ पर शनि पर्वत की बात करूँ, शनि पर्वत जो है थोड़े से कह सकते हैं कि आपको शिफ्ट होते हुए दिखेंगे सूर्य की तरफ, और भाग्य रेखा टू टू के पहुँच रही हैं, तो थोड़ा सा आने वाले टाइम में जो लेटर एज है, जो कह सकते हैं कि कंडीशन जो लेटर एज वाली होती है, जो लास्ट वाला पीरियड होता है, थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल रहेगा, पैसों से रिलेटेड या फिर कैरियर से रिलेटेड हमेशा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि जो लाइनें हैं प्रॉपर यहाँ पर शनि पर्वत तक नहीं पहुँच पा रही। अगर यहाँ पर सूर्य पर्वत की बात करें, सूर्य पर्वत भी आपको दबा हुआ नज़र आएगा, तो जब तक जो है अपने मान सम्मान को पाने के लिए हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं कि वो पहचान बनाने के लिए जो ये चाहती हैं, या फिर वो जो रिकमेंडेशन पाने के लिए जो है वो उसके लिए हमेशा वो जूझना पड़ेगा, ये कंडीशन हाथ में है। तो थोड़ा सूर्य इनका कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रहा है, और बाकी सभी माउंट अच्छे हैं, थोड़ा सूर्य जो है इनका कमज़ोर है आपको यहाँ पर दिखेगा। हल्की हल्की सूर्य रेखा भी आपको नज़र आएगी, कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन ये सूर्य रेखा बन रही है और 45 के बाद यहाँ पर जो है ये जनरेट हो रही है, पर 45 के बाद वाला जो पीरियड है जो वो मान सम्मान में आपको तरक्की देखने को मिलेगी, और वो मान सम्मान ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में बना पाएंगी। ये सूर्य पर्वत यहाँ पर दबा हुआ है, लेकिन सूर्य रेखा आपको मौजूद यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पर बुध पर्वत आपको देखें, बुध पर्वत ठीक है, वो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन नहीं है, यहाँ पर आपको मतलब उभार है इसके ऊपर, तो ये अच्छी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर बात करें शुक्र पर्वत की, तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था अगर शनि पर्वत आपका अच्छा है तो शुक्र पर्वत जनरली अच्छा ही होता है सभी का, और इसके ऊपर खड़ी लाइनें कम हैं, लेकिन यहाँ पर आड़ी लाइनें जो हैं ज़्यादा हैं, तो चिंताएं रह सकती हैं लाइफ में, ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो सभी जो सुख सुविधाएँ वाली चीज़ें हैं जीवन में हासिल कर लेंगे, जो ऐश्वर्य वाले चीज़ें हैं जो कह सकते हैं कि शुक्र जो प्रदान करते हैं उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर हासिल कर लेंगे। अगर ऐसे प्रोफेशन में काम करें जहाँ पर सजावट वाली चीज़ें कर जरूरत होती है, जहाँ पर सजावट वाली चीज़ों की ज़रूरत होती है उस प्रोफेशन में जाए तो उसमें काफ़ी उन्नति ऐसा जातक करता है, उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे प्रभाव, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका सूर्य पर्वत काफ़ी ज़्यादा बलवान है, और सूर्य पर्वत के साथ मैंने सूर्य फिंगर की बात की थी, सूर्य फिंगर जो है काफ़ी अच्छी थी, और हालांकि माउंट जो है कमज़ोर था लेकिन फिंगर यहाँ पर अच्छी, तो आर्टिस्टिक क्वालिटी यहाँ पर नज़र आ रही थी, तो यहाँ पर उसके हिसाब से ही यहाँ पर शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जो क्षेत्र मैंने कहा उस क्षेत्र में जाएँ, और जहाँ पर सजावट वाली चीज़ें हो गई, जहाँ पर इनके जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है उसको लेकर आगे बढ़ें तो काफ़ी सक्सेस इनको लाइफ में मिल सकती है। अगर यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करें तो कोई ऐसी फॉरेन ट्रैवलिंग की लाइन यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रही है, सिंपल सा माउंट है, इसके ऊपर कोई ऐसा साइन जो है स्पेसिफिक नज़र नहीं आ रहा है। चलिए हम लाइनों को देखते हैं, लाइनें यहाँ पर क्या बता रही है, पहले इनकी लाइफ लाइन को देखते हैं, लाइफ लाइन के लिए मुझे अलग पिक्चर यहाँ पर देखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर लाइफलाइन के लिए आपको यहाँ पर अलग पिक्चर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इनकी लाइफलाइन की पिक्चर मेरे पास मिली है, क्योंकि एक कह सकते बीमारी से ये स्ट्रगल कर रही हैं, और कब तक ये बीमारी रहने वाली है, फिर कह सकते कब तक यहाँ पर लाइफ का फ्लो यहाँ पर जाने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो लाइफलाइन है, अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए जो इनकी एज है 31-32 के आसपास है, देखिए इस एज से लेकर इस एज तक आपको जो लाइफ का फ्लो है डबल होता हुआ दिखेगा, मतलब लाइनें टूट टूट कर चल रही हैं, आपको डबल होती हुई दिखेंगी, जो ये अच्छी बात नहीं है। और जब यहाँ पर हाथ में आपको ऐसी कंडीशन नज़र आए लाइफ लाइन में, तो जातक को कोई ऐसी बीमारी जो है हो जाती है, मैं ऐसा नहीं कि कैंसर ही हो जाएगा, लेकिन हम कह सकते हैं कोई ऐसी, क्योंकि हाथ में तो नहीं लिखा होता कौन सी बीमारी होगी, लेकिन हम इंडिकेशन कर सकते हैं कि लाइफ का जो फ्लो है उस एज से उस एज तक काफ़ी ज़्यादा डाउन यहाँ पर
चल रहा है और ये हमेशा दिक्कतें क्रिएट करेगा। जो यहाँ पर कैंसर वाली स्थिति है, जैसे इनकी एज यहाँ पर जो है 32, जो 31-32 के आसपास है, आपको जो ये बीमारी आपको लग रही है कि आपको इस डायरेक्शन में आपको दिखने को पड़ेगी। देखिए, हालांकि उसके इंडिकेशन पहले से स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रॉपर एक यव का सिंबल बनता हुआ दिखेगा इस एज में, आपको यहाँ पर देखे, यहाँ पर प्रॉपर एक यव का सिंबल बनता हुआ दिखेगा और लाइन में एक हल्का सा, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यव के सिंबल स्टार्टिंग से हैं, प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जो एक्चुअल में जो कंडीशन है आपको इस एज में दिखेंगी और ये कंफर्म यहाँ पर जो है 31-32 की एज यहाँ पर बनती हुई आपको दिखेगी। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी ठीक नहीं होगी, बीमारी ठीक हो जाएगी और आगे लाइफ यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है और एक हल्का सा एक कह सकते हैं एक प्रोग्रेशन जो है उसके बाद बीमारी के ठीक होने के बाद, मतलब उसके 4-5 साल बाद एक हल्का सा एक बहुत बड़ा प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलेगा एक हल्का सा। और ये जो एज बन रही है, कम से कम आपको मान के चले यहाँ पर 38-39 साल यहाँ पर एज बन रही है, तो उसमें एक बड़ा जो है लाइफ चेंजिंग मोमेंट इनके लिए आएगा और ये मोमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा और कंटिन्यू होगा। तो ये क्योंकि ये ऑफशूट आप ऊपर की तरफ है तो ये तरक्की देगा इस एज में और इस एज में अच्छा टाइम इनके लिए होगा और ये आगे लाइन कंटिन्यू हो रही है। और हल्का सा आपको प्रॉब्लम जो है इस एज में आ सकती है, जो एज यहाँ पर बने हुए एक बड़ा आपका सिंबल बन रहा है, ये एज यहाँ पर बन रही है कम से कम 50 साल के 52 साल की एज बन रही है, मतलब 50 से 52 की एज बन रही है, उसमें कुछ ऐसी बीमारी होने के चांस हैं, ऐसा कोई रोग होने के चांस है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो यहाँ पर जो लाइफ है लंबी है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि जो बीमारी से लड़ रही है उसकी वजह से यहाँ पर लाइफ जो है छोटी हो चुकी है, क्योंकि अगर हम हाथ को पढ़ें, हाथ को पढ़ना चाहिए तो हमें पूरे पूरे हाथ को पढ़ना होगा और हम आगे माइंड लाइन को भी देखेंगे, हार्ट लाइन को भी देखेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम है स्टार्टिंग से आपको नज़र आ चुकी हैं। देखिए इस कंडीशन को आप देखें, यहाँ तक जो है लाइफ का फ्लो बिल्कुल सही नहीं है, दो यहाँ पर आपके सिंपल आपको बनते हुए दिखेंगे दो, तो ये बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव बात है हेल्थ लाइन में, तो यही इनको बीमारी का कारण है। लेकिन उसके बाद जो है लाइफ कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद कोई ऐसे मेजर जो है प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन 50 साल की एज में 52 साल की एज में कुछ ऐसा स्पेसिफिक रोग इनको लिए यहाँ पर हो सकता है जो काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा, लेकिन लाइफ यहाँ पर लंबी है। आगे हम इनके हॉट लाइन को देखते हैं, हॉट लाइन जो है क्या यहाँ पर इनके बारे में शो कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखेगा इनके हॉटलाइन को और माइंड लाइन को देखें आप, माइंड लाइन जो है कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी और नीचे तरफ नहीं है, और इसी एज में जो यहाँ पर जो एज बनी थी, जो आसपास जो है लाइफ लाइन में 32 के आसपास जो एज बनी थी, वही जो परेशानी इनको 32 के आसपास इस एज में आपको बनती हुई दिखेगी। देखिए यहाँ पर दो यव के सिंबल आपको दिखने को मिलेंगे इनके माइंड लाइन पर। तो यव के सिंबल क्या, ये यव के सिंबल किसी भी लाइन पर बने वो नेगेटिव प्रभाव देते हैं, और माइंड लाइन पर तो फालतू का जो टेंशन होता है, जो प्रेशर होता है, या फिर कह सकते हैं कि किसी परेशानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जहाँ तक सोचता है उसके बीमारी में ये इंडिकेशन कर रहे हैं, उसमें मतलब हमेशा स्ट्रगल रहेगा लाइफ में या उस एज में, तो उस एज में आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है लाइन कंटिन्यू हो रही है, उसके बाद कोई आपको यव का सिंबल नहीं है, हल्के हल्के हैं तो ये टेंशन तो हमेशा लाइफ टाइम रहेगी, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि लाइफ यहाँ पर छोटी हो चुकी है और कोई मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन उस एज में आपको वो कंडीशन हाथ में आपको नज़र आ रही है जो ये छोटे छोटे यव के सिंबल नीचे की तरफ आप बनते हुए आपको दिख रहे हैं, तो ये यहाँ पर है। और अगर मैं यहाँ पर लाइफ केयरलाइन की बात करूँ तो केयरलाइन जो है ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको प्रोग्रेशन बताया था ना, 35 के आसपास जो है 38-39 के आसपास जो है प्रोग्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड जो है आने वाला है, वही आपको इंडिकेशन यहाँ पर दिखेगा। देखिए यहाँ पर जाकर जो है लाइफलाइन केयरलाइन है डबल हो रही है, तो अच्छे प्रोफेशन की तरफ रुख कर सकती हैं, या फिर जो लाइफ है आगे काफ़ी अच्छी तरह बढ़ेगी, और जैसे मैंने इनको फील्ड बताया उस फील्ड में ट्राई करें तो काफ़ी अच्छी सक्सेस मिल सके, क्योंकि 35 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाग्य रेखा डबल होती हुई आपको दिखेगी। अगर मैं यहाँ पर हॉटलाइन की बात करूँ तो हॉटलाइन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हॉटलाइन जो है प्रॉपर है, हॉटलाइन जो है ऐसा नहीं कि छोटी है, हॉटलाइन जो प्रॉपर यहाँ पर कर्व बनाकर आपको चलती हुई दिखेगी। हॉटलाइन की पिक्चर थोड़ी सी मेरे इस एज में लेफ्ट राइट हैंड में भी आपको देख लें,
थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, पेट से रिलेटेड जो है दिक्कतें इनको हो सकती हैं, पेट से इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कतें और वो परेशान कर सकते हैं इनको, क्योंकि यहाँ पर आपको सूर्य रेखा के नीचे जो है छोटे छोटे यव के सिंबल बनते हुए आपको दिखेंगे, छोटे से आइलैंड बनते हुए दिखेंगे। तो ये पेट से संबंधित परेशानियाँ और सिर दर्द से संबंधित परेशानियाँ परेशान कर सकते हैं इनको, और मतलब लीवर इन्फेक्शन होने के चांस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर कोई मेजर यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, और जो ये बीमारी से जूझ रही हैं वो काफ़ी कम टाइम तक है, मतलब आप मान के चलें कि ये जो परेशानी है कम से कम 1 से 1.5 साल और चलेगी, मैक्सिमम आप मान के चलें 1 साल, और उसके बाद ये कंडीशन काफ़ी सुधरने वाली है। 35 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा इनके लिए रहने वाला है। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन थी, कैसे लगी आपको, आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।